आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करी जाती है। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना फ्लिपकार्ट के सेलर अकाउंट पे लॉगिन कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है लिस्टिंग्स पे, और इसके बाद आना है अपॉर्चुनिटीज़ पे। अब अपॉर्चुनिटीज़ में क्या है कि आपका प्रोडक्ट रिकमेंड किए जाएंगे। अब कैसे, जैसे कि यहाँ पे BBD बिग बिलियन डेज अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे आपको बताया गया कि अगर आपको बिग बिलियन डेज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए कौन से प्रोडक्ट में हैं, तो आप ये सब भेज सकते हैं। इसे बताया हुआ है कि कितने पीसेस बिके हैं, रिकमेंडेड प्राइसेस भी बताए हुए हैं, कितने पीसेस बिके हैं और व्यूज़ कितने आए हैं ये भी बताए हैं प्रोडक्ट के। ठीक है, अगर आप इनमें से कुछ लिस्ट कर पाएँ तो कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट होगा आप इनको सेव भी कर सकते हैं, जो आप बाद में देख सकते हैं यहाँ पर सेव्ड फॉर लेटर में। ठीक है, आपको बताई हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें बिग बिलियन डेज़ में चल रही हैं और बिक रही हैं। ठीक है, इसमें कितने व्यूज़ वगैरह आए हैं, कितने बिके हैं, प्राइस रिकमेंडेशन क्या है, सब दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा सुपर वैल्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कस्टमर ये वो प्रोडक्ट हैं जो इनके ऑल्टरनेट्स भी ढूंढ रहे हैं और उनके सस्ते प्राइस कॉम्पिटेटिव प्राइस में भी ढूंढ रहे हैं। अब देख सकते हैं कितने व्यूज़ आए हैं, कितना बिका है, रिकमेंडेड प्राइस इसमें भी दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा है शॉपसी प्रोडक्ट्स। शॉपसी प्रोडक्ट्स शॉपसी के लिए टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, या आपकी ये वाले जो होते हैं आपकी कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा बेस्ट सेलर्स, ये मेन सबसे सेशन है बेस्ट सेलर्स का। जब आप बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी, जैसे कि ऑटोमोटिव केयर वगैरह की, बेबी केयर की, बुक्स मीडिया क्लॉथिंग की, डिजिटल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो कैटेगरी मिलेगी फुटवेयर वगैरह की। तो आपको इन कैटेगरीज में से चुनना है कि आप किस कैटेगरी के बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे क्लोथिंग में देखना है तो मैं क्लिक करूँगा क्लोथिंग की कैटेगरी। ठीक है, तो मैं क्लोथिंग में क्लिक करूँगा तो मुझे क्लोथिंग के जितने भी बेस्ट सेलर्स हैं, एक सेकेंड, क्लोथिंग के जितने भी बेस्ट सेलर्स हैं उनकी लिस्ट आ गई है, जैसे कि सॉक्स हैं, साड़ी है, ये सब है, ये टी शर्ट है, इस तरीके से आ गया है। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप इसकी सब कैटेगरीज चुन सकते हैं कि एथनिक वियर्स में, सूट एंड ब्लेजर्स में, फैब्रिक में, इस हिसाब से। ठीक है ना, तो आप ऐसे चुन सकते हैं। बेस्ट सेलर्स हर कैटेगरी का है मिलेगा, सिर्फ कपड़ों का नहीं, जैसे कपड़ों का है और मान लो गेमिंग के बेस्ट सेलर्स हैं, आप गेमिंग की चीज़ें बेच रहे, तो ये और जो भी प्रोडक्ट आपको लगे कि मैं बेच सकता हूँ या मुझे बेचना चाहिए, तो आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से, सेव पे। तो ये क्या है, आपकी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, एक तरीके से आपकी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी कि क्या क्या आप बेचना चाह रहे थे। ठीक है ना, इसके अलावा बेस्ट सेलर्स में अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान लीजिए आपको ये मोबाइल टैबलेट्स वगैरह ये है, इसमें भी आपको बताया गया क्या क्या बिक रहा है, आप इसको भी सेव कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, ये दो गए बेस्ट सेलर्स। अब इसके बाद आता है न्यू प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट, ये न्यू प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है फ्लिपकार्ट के आउटसाइड बिक रहे हैं, मतलब फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है लेकिन फ्लिपकार्ट के आउटसाइड बिक रहे हैं। तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटी, इसमें ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो इसकी उम्मीद है इसके ऑर्डर्स आपको आने लगे हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे तो अवेलेबल नहीं है लेकिन दूसरी जो मार्केट प्लेसेस है, अमेजोन, मीशो वगैरह, ये सब जो हैं यहाँ पे अच्छे से बिक रहे हैं, तो हो सकता है फ्लिपकार्ट पे भी बिके। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट्स में वो प्रोडक्ट हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्क्रैचर्स के शूज़ वगैरह हैं। ठीक है, और ये वाले मॉडल, मतलब स्पेसिफिक मॉडल, समझ रहे हैं ना, ये बहुत ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं इस लिस्ट में, समझ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्केचर्स के कोई भी शूज़ नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ही मतलब स्पेसिफिक, मतलब टैबलेट भी यही वाला टैबलेट, समझ रहे हैं ना, यही वाला गैलेक्सी का मॉडल टैबलेट का, ये वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी बेच सकते हैं या इस तरीके का स्टूल, ऐसा स्टूल, समझ रहे हैं, तो ये है टॉप सेलिंग इन मार्केट। ठीक है, उनकी प्राइस रिकमेंडेशन भी दी है, जाहिर सी बात है इसमें व्यूज़ और वो तो नहीं दिए गए हैं कि कितने प्रोडक्ट पीसेस बिके, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे नहीं है अवेलेबल ज़्यादा, तो उस हिसाब से दिया हुआ है। इस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, एक तो बिग बिलियन डेज के लिए, सुपर वैल्यू प्रोडक्ट, बेस्ट सेलर्स हर कैटेगरी के और न्यू प्रोडक्ट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो भी आपको प्रोडक्ट लगे कि मुझे बेचना चाहिए तो आप इस पे दबा देते हैं, सेव पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे दबाएंगे सेव्ड फॉर लेटर, तो जो जो प्रोडक्ट आपने सेव करे थे ना वो सारे आ जाएंगे। अब यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं कि मैंने क्या क्या सेव किया था, अब मैं क्या क्या इनमें से बेच सकता हूँ। तो ये प्रोडक्ट रिसर्च का सबसे आसान और फ्री तरीका है फ्लिपकार्ट पे ढूंढने का। ठीक है ना, अगर आप नए सेलर्स हैं, बहुत से नए सेलर्स का सवाल ले रहा है क्या बेचें, क्या बेचना चाहिए मुझे फ्लिपकार्ट पे, तो ये फ्लिपकार्ट एक तरीके से बता रहा है अपने टूल के ज़रिए
यहाँ सब कंपटीशन वगैरह सब एनालाइज कर सकते हैं, इनके प्राइजेस एनालाइज कर सकते हैं कि कितने कितने प्राइस पे ये बेच रहे हैं और मैं कितने पे बेच सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है जो बहुत ही इफेक्टिव है अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।